दिवाली मिठाइयां तो अलावा त्यौहार है रोशनी का। तो इस समय असी मौजूदा सैक्टर 18 की मार्केट में जो खास तौर पर लड़ियों मशहूर है, तो इतने गल करते किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा है इस बारी? हाँ जी, बहुत वधिया रिस्पोंस मिल रहा है, सारे बहुत खुश होकर दिवाली मना रहे हैं, तो सारे आके लड़ियाँ ले रहे हैं। इतों ही सब तो ज़्यादा कि लड़ी डिमांड में है? सब तो ज़्यादा सर मैम जी हैंगिंग वाली होंगी उ डिमांड च है, ये 15 मीटर वाली मैम, ये 6 कलर है। अलावा इस बार होर की ट्रेंड विच रहे नवा की है? इस बारी मैम जाल काफी ट्रेंड चल रहे हैं, बने बनाए जाल। ए मैम देखो इधर जितना लगे हुआ है, दुकान के बाहर लगे हुआ है मैम, ए दारे जाल काफी ट्रेंड चे हैं। देख सकते हो ये ट्रेंड विच है, तो इथे जो शॉपिंग करन आ रहे हैं उन्होंने नाल गल करते हैं, किस तरह इस बार दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो? शॉपिंग नहीं करन, मेरी अपनी दुकान है, शॉपिंग करन भाजी आए हैं। इस बारी किस तरह दिवाली का त्यौहार मना रहे हो? इस बारी दिवाली का त्यौहार बहुत खुशियां नाल मनाया जा रहा है जी, क्योंकि करोना तो बाद यही एक दिवाली है जिन्हों सारे सैलीब्रेट कर रहे हैं, बड़े वधिया तरीके नाल कर रहे हैं जी। तो मैं चाहना हर कोई ऐं सैलीब्रेट करे, खुशियां होन तुहाडे लई भी सारिआं लई जी। चंडीगढ़ में ज़्यादा डिमांड वेखी जा रही है कि जिमें ग्रीन क्रैकरस है जो वातावरण ना दूषित करे, उस तरह की डिमांड वेखी जा रही है, इसनों किवें वेखदे हो? बहुत वधिया मैडम, ये कंसैप्ट बहुत अच्छा है, ग्रीन दिवाली जिहड़ी है बहुत वधिया। जिस तरह अज आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा वध रहा है, पराली की समस्या कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का दिल्ली में भी सामना करना पै रहा, इवन चंडीगढ़ भी इफेक्ट होंदा उन्होंने चीज़ों लिए। तो मैं चाहना कि ये जिहड़ा ग्रीन दिवाली का कंसैप्ट है बहुत वधिया, तो लोगों को वध चढ़ के इहदे च हिस्सा भी लेना चाहिए, करना भी चाहिए। हाँ, इतने तुम वेख सकते हो इस पूरी मार्केट में वख वख तरह दी लड़ियां इतने तुम वेख सकते हो, ओम इतने रिप्रजेंट हो रहे की कुछ है जी डिमांड में सब तो ज़्यादा? सब तो ज़्यादा जी इस टाइम मल्टी कलर चल रही है जी, और वॉर्म वाइट है, ये सारे कलर मिल रहे हैं और सभी इंडियन है, इंडियन। रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? बहुत अच्छा है ये सबसे। आज ही ज्यादा ग्राहक आने शुरू हुए ने कि नहीं जी? आज 4-5 दिन से जो है ज्यादा आ रहे हैं। ये तुम वेख सकते हो, ये वेरिएशन भी तुम लड़ियों की वेख सकते हो, ये इसका की प्राइस है? 300 है जी। इतने जिम्मे एक बार सारे का एक बार प्राइस दस दो थोड़ा जा। ये जैसे 50 रुपये मीटर होता है, ये 350 रुपये है, ये 250 रुपये का है, बाकी ये लड़ी अलग अलग गई, 150 रुपये की है, ये 50 रुपये की है, ये 40 रुपीज की है। तुसी वेरिएशन तुसी वेख सकते हो लड़ियां दी जो सब तो ज़्यादा पसंद की जा रही है। जो इतने शॉपिंग करने आए हैं उन्होंने नाल गल करते हैं, इस बार दिवाली किवें मना रहे हो जी? खरीदारी करके, शॉपिंग करके। और की कुछ खास इस बार दी दिवाली विच अलग कर रहे हो? कुछ खास नहीं, घर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं इस बार, सबसे नहीं तो ये है फ्लोटिंग कैंडल्स विद वाटर पे जो फ्लोट करती हैं। वक् वक् तरह दी लाइट्स नज़र आ रही ने, तो इन्होंने सारियों का रेट जो है महज 300 रुपये है, तो तुम वेख सकते हो कलर्स की शेप विच लाइट है, तो इस तो अलावा होर जो लैंटनस है वो तुम वेख सकते हो, तो लाइट की जो वेरिएशन है इस बार बहुत ज़्यादा वेखन मिल रही है, तो डिमांड विच भी सब तो ज़्यादा है, क्योंकि जिमें जिमें समा बदल रहा है तो पहला की होंगे सी दिवे होंगे सन, तो हूँ जो है हमने लाइट्स वक् वक् तरह की इतने वेखन मिल रही है, सब तो ज़्यादा की डिमांड विच है? लाइट्स वगैरह सारी हैं जी डिमांड में, फाउंटेन्स आए हैं इस साल ये सारी डिमांड में हैं जी, मल्टी कलर बॉल्स हैं, एलईडी कलर बॉल हैं, इसमें गोल्डन कलर के हैं, ये बहुत पसंद आते हैं जी सबको। तो इस वक्त दिवाली जिमें नेड़े आ रही है, तो किन्ने दिनों तो ज़्यादा गाहक तुहाडे कोल आ रहे हैं? 3-4 दिन पहले ही आते हैं जी जो लोग आते हैं लेने के लिए, 7 डेज पहले स्टॉल लग जाते हैं और 3-4 दिन पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं लोग। रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है? अच्छा जी, बहुत अच्छा, तो रिस्पॉन्स भी इतने वधिया मिल रहा है, क्योंकि इतने वेरिएशन ही तुम वेख सकते हो, वक् वक् तरह दी लाइट्स इतने तुम वेख सकते हो, लड़ियों के लिए ये मार्केट मशहूर ही है, तो उत्थे कुछ कैंडल्स भी इतने वेखिया जा सकदियां ने, क्योंकि जो डिमांड होंदी है वह क्रिएटिव चीज़ों की अजकल ज़्यादा होंदी है, तो वेख सकते हो ये फ्लावर की शेप विच ये कैंडल्स जो डिमांड विच ने, ते उथे जो लड़ियां कलरफुल जो लड़ियां है वह सारियां नू पसंद आती है, ते होर कोई चीज़ा कोई लए ना लए पर लड़ियां हर घर विच लगदी है, ते सिर्फ एक दिन दिवाली दे दिन नहीं बल्कि दिवाली तो कुछ दिन पहला ते अगे कुछ दिन बाद तक भी लगी रहती है, ते नैक्सट ईयर भी उही यूज़ करते हुए लोग नज़र आते हैं, तो वेख सकते हो इसे तुसीं के वक् वक् तरह दीआं लड़ियां, ते ये तुसीं वेख सकते हो एक होर वेरिएशन इतें, तो
सैक्टर 18 की यह मार्केट है जो अपने आप विच ही लड़िया के लिए मशहूर है। तो जिस तरह के नाल इतने वेरिएशन है तो रिस्पोंस भी इतने वधिया मिल रहा है। तो फेस्टिवल सीजन की रौनक तमाम बाजारों में वेखन मिल रही है। इस समय असं मौजूद हाँ सैक्टर 20 की मार्केट में जिथे तुम वेख सकते हो कि डेकोरेशन दियाँ चीज़ा इतने मौजूद ने ते रंगोली कलर्स इतने वेख सकते हो तुम उ जो हुण ट्रेंड विच ए है आसान होंदी है इस तो रंगोली बनाउणी ते इस करके ए रंगोली कलर इत्थे मौजूद ने ते इस तो अलावा ए वेख सकदे हो तुसीं लाइटनिंग दे लई ते उत्थे जो लड़ियां डोर ते लगाईआं जांदीआं ने डेकोरेशन दे लई इत्थे ए कह सकदे कि एक ही जगह ते सारीआं चीज़ां जो दिवाली विच डेकोरेशन दे लई चाहीदीआं होंदीआं ने ओह एक जगह ते मिल रहीआं ने। ए तुसीं वेख सकदे वख-वख दीवे डेकोरेटिव दीवे ते उत्थे इस दे विच गिफ्ट्स पैक करके दित्ते जा सकदे ने ते होर इत्थे एक होर अट्रैक्शन का केंद्र जो है वो ये फ्लावर्स है वो ये फ्लावर्स है वेख सकते हो तुसी इन्हां नूं पानी दे विच रख के जगाया जा सकता है। तो होर भी तुसी इत्थे छोटी छोटी ये जो बास्केट्स है ये तुसी वेख सकते हो ये ट्रेंड विच है। तो ये जो डोर्स ते लगते ने शुभ दीपावली दिवाली का त्यौहार है जिवें तो दिवाली नूं रिप्रजेंट करते डोर ते लगा के ते वख-वख लाइट्स इत्थे मौजूद ने। तो किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा है इस बारी थानू? मैम इस बार रिस्पांस ठीक है, अच्छा है। डेकोरेशन का लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और काम का दिवाली के लिए आ रहे हैं लोग, घर सजावट के लिए, मंदिर के लिए, ऑफिसेस के लिए। जो लोग पिछले कोरोना में जो एक दो सालों से जो नहीं कर पा रहे थे वो भी अब बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे रिस्पांस जो है त्यौहार अपने रंग वापस ले रहा है। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे और दो तीन दिनों में हमें और अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। सब तो ज़्यादा की है ट्रेंड विच मैं देख पा रही हूँ कि इतने इस तरह है कि एक छत थले सब कुछ ही मिल रहा है। मैम इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड है बंधन वाल वगैरह जो हम दरवाज़ों पर लगाते हैं। बंधन वाल जैसे ये शुभ दीपावली है, शुभ दीपावली में इसमें हमारे पास जैसे बंधन वाल है, होममेड बंधन वाल्स हो गया, मोती वाले हो गए, तो वो सारी चीज़ें ट्रेंड में हैं जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं। आज तो बंधन वाल में अब मंदिर वगैरह के भी साइजेस आ गए हैं 3 फुट 4 फुट, तो लोग वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि हम ऐसा कुछ लें जिससे हम अपने घर के मंदिर को और घर के दरवाजे वगैरह उन सबको सजा सकें। इन्हें तो पूछ दे कि किस तरह इन्हें रिस्पांस मिल रहा है, किवें दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बारी? दिवाली इस बारी बहुत वधिया तरीके नाल सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड तो बाद इन्ना रश देख के मार्केट च बहुत वधिया लग रहा है। मिट्टी दे दीवे बारे की कहोगे? क्योंकि साडे मतलब कि जिस तरह साडे पूर्वज साडे वड्डे इस तरह दीए नाल अपने घर दी रोशनी करदे सी, असीं भी ओही चीज़ कर रहे हैं। तो असीं बच्चों नूं भी अग्गे यही कहांगे कि ये जरूर अपने घर जलाने चाहिए है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਸਕੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀ ਇਸਕੋ ਵੋ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦੀਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਝਾੜੂ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਲਿਆ। ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਲੈਣ ਦੀ? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है पर धनतेरस मौके लिया जाता है ना, धनतेरस वाले दिन ली जाती है, इसलिए फॉलोइंग द ट्रेडिशन। तुसी की कहोगे? बस फॉलोइंग द ट्रेडिशन, दिस इज द लिस्ट 5 आइटम्स वी हैव टू टेक ऑन धनतेरस, दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग। तुसी देख सकते हो जिवें नेट दा ट्रेंड है ते इते लिस्ट है पूरी कि धनतेरस ते की लेना है, ते उस लिस्ट दे मुताबिक सारियां चीजां लईयां जा रहियां ने। ते इस इथे ते दिवाली किस तरह इस बार सेलिब्रेट कर रहे हो? बस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬਾਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਓਨਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ? ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ, ਵਿਦ ਆਲ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟੱਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਆਰ ਹੋਮ ਵਿਦ ਦੀਆ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। So that is part of Diwali celebration. ए रंगोली डिजाइनस असी वेखांगे, ते वेख सकदे हो तुसी इत्थे रंगोली डिजाइनस जो इस तरह ही जो है ईजी होंदी है रंगोली बनाउणी, तां तुसी वेख सकदे हो। जिसनूं रंगोली नहीं भी आउंदी बनाउणी तां जस्ट इस ते फिल करना है कलर ते ए शेप बन जाएगी। की है सब तो ज़्यादा डिमांड विच?
दोनों ही चीज़ें ने ते इतने अहमियत की है रंगोली बनाने की दिवाली अहमियत किदा मतलब एक महत्व होंगे ना किसी भी चीज़ का भावें लाइटनिंग करते हैं तो तुसी रंगोली दियाँ सारिया चीज़ा रखी हुई ने क्यों क्योंकि दिवाली तो मतलब राम जी आते होंगे वापस म अपने उत्थे घर वापस तो रंगोली की खुशियां मनाई जाती तो इतने तुम लैंटनस वेख सकते हो कलरफुल ये लैंटनस ने जो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं शाइनिंग भी है इतने तो जो लोग है इतने पहुँच रहे हैं तो असी उन्होंने गल करांगे जो पसंद कर रहे हैं इन्हों तो वेख सकते हो ये जो एंट्रेंस ते लगाया जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन है तो घर की सजावट की जाती है किवें दिवाली सैलीब्रेट कर रहे हो बस बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से धनतेरस भी है जिमें तो की शॉपिंग किया धनतेरस से वैसे तो गोल्ड सिल्वर वो असं पहले ले चुके से हम बर्तन आज बर्तन का शगन किया अहमियत की है ये सब धनतेरस मौके क्यों लिया जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा होंगी आ कि जे तुसी कुछ भी इस तरह लोगे तो तुहानू धन मिलेगा बहुत ज़्यादा लक्ष्मी मिलेगी माँ लक्ष्मी दे लई ये सब कुछ किया जाता पूरी सफाई की जाती है पूरा सजाया जाता है तो उस तो अलावा जो है पूरी लाइटनिंग भी इसलिए की जाती है तो जो रिवाज है रवायत है वह पूरी इतने फॉलो की जा रही है तो ये तुसी वेख सकते हो रंगोली के कलर असं हर पास ही वेख रहे हैं वक्ो वक् कलर इतने तुसी वेख सकते हो तो ये जिवें असीं पहला बोतल देखी सी तो ये ट्यूब भी तुम वेख सकते हो ये एक ईजी तरीका होंगे कोई भी रंगोली बनाने का ईजीली कलरफिल किया जा सकता है जेकर कोई भी रंगोली इस तरीके असी बनाते हाँ तो दिवाली जिमें सजावट का त्यौहार है तो इतने तुम वेख सकते हो सजावट के फ्लावर पोट्स इतने नज़र आ रहे हैं वक् कलर्स के इतने फ्लावर तुम वेख सकते हो आर्टिफिशियल फ्लावर पिंक कलर येलो कलर तो उ डेकोरेटिव चीज़ा तुम तमाम वेख सकते हो क्योंकि दिवाली मौके जो है घर में सजाया जाता वक् वक् तरीकों नाल तो उ गिफ्ट्स भी दिते जाते हैं तो कई बार गिफ्ट्स में ये घड़ियाँ भी दी जाने तो इस समय असं गिफ्ट शॉप पर ही मौजूद हाँ तो इतने तुम वेख सकते हो वक् वक् तरह के गिफ्ट दिवाली मौके भी तो होर किसी ओकेजन पर भी दिते जा सकते हैं पर खास तौर पर इतने तुम ये मूर्तियाँ वेख सकते हो माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश की मूर्ति जो है ये दिवाली मौके लोग ले जाना पसंद करते हैं तो इस गिफ्ट शॉप पर तुम होर चीज़ा भी वेख सकते हो क्योंकि दिवाली मौके जो है होरों गिफ्ट दिता जाता है जिमें पेंटिंग्स है तो इस अलावा होर भी गिफ्ट दिते जाते हैं तो इतने जो ओनर है उन्होंने असी गल करांगे नितिन तस्वीर विखा दो एक बार किवें ये सारी गिफ्ट आइटम्स जो है क्योंकि दिवाली मौके सारिया गिफ्ट आइटम्स यूज हो सकती ने ते किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा थानू बहुत अच्छा रिस्पोंस है इस बार धनतेरस से बहुत अच्छा क्राउड है साढ़े को ते वैसे भी ऐतकी जी कस्टमर ने जी अर्ली परचेजिंग की है तो वास्ते कस्टमर भी रिलीफ रहे असी भी रिलीफ च रहे हैं तो सब तो ज़्यादा डिमांड केड़ी चीज़ की रही डिमांड हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह सब बिल्कुल ठीक हैगी है जिस तरह वॉचिज की साढ़े को वॉल क्लॉक्स की बहुत अच्छी सेल है गॉड आइडल्स की बहुत अच्छी सेल है साढ़े को लैंप शेड्स की बहुत अच्छी सेल गई है कैंडल होल्डर का टॉप मोस्ट गए है वो बहुत अच्छी साड़ी रही है सेल इस बारी और साढ़े को कलैक्शन जी इस बारी बहुत अच्छी कलैक्शन की असी कुछ दिखाओगे खास तौर पर दिवाली लई जो थोड़ी कलैक्शन हो दिवाली वास्ते जिस तरह साढ़े को लैंप शेड्स की रेंज उपर लगी है या साढ़े गॉड आइडल्स है बिल्कुल जी ये जो मूर्तियाँ हैं माँ लक्ष्मी दियाँ ये मूर्तियाँ गणेश जी है गणेश जी है दीज आर मतलब वी हैव दिस वेरी मच गुड क्वालिटी वी हैव ये मार्बल डस्ट दी होंदियां सारियां ये वाशेबल होंदियां तुसी अपने मंदिर च रखे जिदा कदे डस्ट पै जाए तो वॉश भी कर सकते हो उस चीज़ नूं ते कुछ गाहक भी इत्थे आ रहे ने किस तरह इस बार दिवाली मना रहे हो इसी तरह जिदा लास्ट टाइम मनाई दी मतलब गिफ्ट एक्सचेंज करके फैमिली नाल मैं मिल के फैमिली एंड फ्रेंड्स नाल इत्थे की सब तो वधिया लग रहा है इतने तो मैं आई थिंक जो भी कोई ओकेजन होंगे एनिवर्सरी बर्थडे तो अंकल को आके गिफ्ट लेने हर साल तो सुने गाहक भी इतने बेहद खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स इतने है तो किवें दिवाली मना रहे हो जी इस बार बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छी तरह से की बदला है पिछले साल नालों कोविड के बाद तो बहुत फ़र्क आया है लोगों की अब पेइंग कैपेसिटी है स्पेंड कर सकते हैं अच्छा खर्च रहे हैं और चंडीगढ़ में ज़्यादातर लोग ग्रीन क्रैकर्स की वरतों कर रहे हैं वातावरण के नाल भी जुड़े हुए हैं उसमें वो तो बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन क्रैकर्स
यूज़ करो और बिल्कुल ही पॉल्यूशन ना होए, पॉल्यूशन फ्री फ्री दिवाली। तो वेख सकते हो तस्वीर तुम कि इतने फ्लावर पोट तुम वक् वक् कलर के फ्लावर इतने तुम वेख सकते हो। तो हूँ असं जावे जो इतने भांड्या की शॉप है क्योंकि खास तौर पर धनतेरस से दिवाली मौके इन शॉपिंग की जाती है, तो इतने तुम भीड़ भी वेख सकते हो। तो उ जो लेटेस्ट है तो डिस्काउंट जो खास तौर पर दिवाली मौके चल रहा है वो तुम वेख सकते हो। खास तौर पर ये एग्जाम्पल एक देख सकते हैं कि जो एयर फ्रायर है एम आर पी है इसका 99,000 तो जो इन्हों का प्राइस है वो 5600, यानी कि एक प्राइस में भी एक चेंज वेखन मिल रहा है खास तौर पर दिवाली मौके जो ज़्यादा तो ज़्यादा गाहक इतने आने। किमें दिवाली मना रहे हो जी इस बार? बहुत बहुत वधिया जी। पिछले साल नालों किमें डिफरेंट? इस बार रौनक है ज़्यादा। की शॉपिंग कर रहे हो अज? असी बर्तन वगैरह लीते हैं। धनतेरस मौके एक बर्तन या फिर जड़े गहने होंगे ने उन्होंने लेना लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। तुसी की प्लान किया? नहीं फिलहाल असी भांडे ही लीते ने जी। ये तुसी वेख सकते हो इतने लाइना लगी हुई ने ते बेहद ही उत्साह भी लोगों में शॉपिंग नू लेके नज़र आ रहा है। तो जिस तरह के नाल इतने कुछ होर चीज़ा नवियां आई हुई ने खास तौर पर फेस्टिवल सीजन में तो उसनू लोग खरीद रहे हैं। तो कप सैट की खास तौर पर डिमांड रहती है दिवाली मौके, तो की शॉपिंग करने का इरादा है अज? हाँ जी बस अभी तो देख रहे हैं सब पसंद तो हर चीज़ आ रही है पर क्या सोच क्या ले पता नहीं चल रहा। दिवाली किस तरह मना रहे हो इस बारी, की प्लानिंग है? दिवाली आप बस फैमिली बच्चों ना थोड़ी जी फ्रेंड सर्कल है जो बेटियां अपनी इधर रहिंदियां विदाउट क्रैकर्स वगैरह ना विदाउट क्रैकर्स मतलब माहौल ग्रीन दिवाली ग्रीन दिवाली मनानी है। जिवें दिल्ली का बुरा हाल होया था इस टाइम पोल्यूशन करके वो थोड़ी जी जिनी साडा सहयोग हैगा भी असी पोल्यूशन घट होवे ग्रीन वाली सिंपल एंड सोबर खुशियां वंडो बस। तो इन्हें तेन कुछ अंदर दियाँ तस्वीरें विखाते हैं। इतने थोड़ी घट भीड़ नज़र आ रही है होर दुकाना के कंपेरिजन तो मैं लगता अंदर जाना चाहिए। तो इतने वेख सकते हो लाइना इतने भी बहुत नज़र आ रही ने ते वैरायटी इतने वेख सकते हो। किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा है? मैम इस बार ज़्यादा इतना अच्छा नहीं जा रहा क्योंकि कस्टमर कम है और जिस हिसाब से मेल होना चाहिए उस तरह मेल नहीं है इस बार। ट्रेंड विच की है आज? आज मैम वैसे तो मेन जो अपना ब्रास में होता है कांसी ब्रॉन्च वो अंदर बाकी बता देंगे आपन। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत वधिया जी बहुत वधिया रिस्पांस मिल रहा है पहला नालों भी बहुत वधिया है। लेकिन टाइम टू टाइम आते हैं लोग, ये नहीं है कि डेली आना है, टाइम टू टाइम आते हैं। तो एक टाइम फिक्स होता है लाइक 6 to 10 PM तक बाकी नॉर्मल रहती है। ट्रेंड विच की है इस बार नवा की है थोड़ी शॉप पे दिवाली नु लेके? नवा एक्चुअली बहुत ने आइटम एक्चुअली इसकी लाइन इदा दी है क्रोकरी दी कि इस विच असी ए नहीं बोल सकते किसी एक चीज़ नु कि केड़ी वधिया है। एक्चुअली सारी जिदा कि फ्राई पैन हो गया होकिंस हो गया PNB हो गया बहुत सारिया ने चीज़। शॉपिंग का क्रेज भी हर त्यौहार में लेके रहा है, इस बार तो दिवाली है तो शॉपिंग का क्रेज क्यों ना हो इतने वेख सकते हो। तुम पूरे परिवार इतने पहुँचे हो शॉपिंग करने के लिए, किमें दिवाली इस बार सैलीब्रेट कर रहे हो? सेम जिदा हर बार करी दी है जी। किमें इस बार की डिफरेंट है? फैमिली नाल तुसी आए हो? हाँ जी बस अज धनतेरस है उदे करके कोई बर्तन वगैरह खरीदने आए से। तुसी की कहोगे अज दे त्यौहार बारे? सब नु अच्छी तरह मनाना चाहिए। तो इस दिन वैसे कहते हैं कि जिवें धनतेरस के उत्ते बर्तन खरीदते हैं झाड़ू खरीदते हैं तो नमक भी खरीदते हैं तो असं सारा कुछ खरीदेंगे अज। तां जो लोग मठियाइया नहीं लेंदे वो पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट्स क्योंकि लंबे समय तक भी चलते हैं तो हैल्दी भी होंगे है। तो इतने तुम वेख सकते हो ये वो तमाम मठियाइया ने जो एक प्रॉपर पैक की गई है तो गिफ्ट जो किए जाने प्रॉपर इन्हों पैक किया गया तो ये किसी होर थान पर भी ईवन दूर भी लेके जानी है तो भी ईजी होंगे कैरी करना। तो इन्हों तो पुछते किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, थोड़ा सा आज रेनी होने डे होने की वजह से थोड़ा सा कम है रिस्पांस, कस्टमर्स उतने अच्छे से नहीं निकले बट अदरवाइज बहुत अच्छा जा रहा है। सब तो ज़्यादा की है डिमांड में इतने मैं वेख पा रही हूँ क्योंकि हर तरह का इतने चॉकलेट्स फ्रूटी ते ड्राई फ्रूट्स ते नमकीन सब कुछ है इतने। ड्राई फ्रूट्स आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, थोड़े से हेल्दी भी होते हैं और स्वीट्स से आजकल लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और जहाँ अगर हम स्वीट्स की बात करें तो लोग इंक्लूड भी करते हैं उसको क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, तो केक बहुत अच्छे जा रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। सब तो ज़्यादा की सेल हो रहा है थोड़ा, इतने बहुत खूबसूरत पैकिंग हो रखी है इतने, तो वेख सकते हो इतने कि चिप्स
बिस्किट, ये पूरा गिफ्ट हैम्पर दी तरह ही है। ये गिफ्ट पैक्स बनवाए हुए हमने। क्या प्राइस है? ये 700 में है और इसमें इससे बड़े पैक्स भी हैं, 800 के हैं, 900 के हैं, 250 से स्टार्ट हो जाता है, तो हर कोई अपनी रेंज के अकॉर्डिंग ले सकता है। की है दे थोड़ा जा? इसमें चिप्स, बिस्किट, जूस, तो उस हिसाब से नमकीन, अगर कोई अडल्ट्स हैं तो वो नमकीन प्रेफर करते हैं, तो वो सब कुछ मिक्सचर बनाया हुआ है, फुल फैमिली पैकेज हम इसको कह सकते हैं। फ्रूट्स की भी सेल लग रखी है क्योंकि जो पूरी फैमिली आँदी है तो हर सारे का ध्यान रखा जा रहा है, तो ये तुम वेख सकते हो ये सूट्स जिन्हों का रेट सिर्फ 500 है, तो वेख सकते हो वक् वक् कलर्स दे थे तुसी सूट। तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी, कॉटन के सूट है 500 रुपए का। सब तो ज़्यादा केड़े सूट डिमांड विच है? सब डिमांड विच है जी, अभी डिमांड विच है ये अभी सूट। हाँ देखो जी, गर्म सूट है 500 रुपए का, जॉर्जेट में है जी 500 रुपए का सूट। वेख सकते हो तुसी, तां दिवाली सेल भी इत्थे लगी हुई है, महज 500 रुपए विच इत्थे सूट सेल किए जा रहे हैं। तो वेख सकते हो तुसी सिर्फ मठियाइयां या फिर डेकोरेटिव आइटम्स दी इत्थे जो है प्रदर्शनी नहीं, बाकी होर चीज़ों की भी लगी हुई है, तो सब इत्थे आ रहे हैं। तो हुण असी कुछ जो खास तौर पर दिवाली मौके लेंदे ने, छोटे छोटे बच्चे इत्थे आ रखे ने, दिवाली किवें सेलिब्रेट कर रहे इस बारी? अच्छी। किवें, की प्लानिंग की है? पटाखे फोड़ेंगे बहुत कुछ। और डेकोरेशन दी? थोड़ा बहुत जैसे फ्लावर वाली लड़ी वगैरह। कर ली पूरी शॉपिंग? कर ली, हले हले तो थोड़ी बहुत की रही है। सारिया नू जो है क्रेज़ होंदा है दिवाली दे त्यौहार दा, ते डेकोरेशन खास तौर पर पटाकों का शौक आता है बच्चों नू, तो इतने तुसी वेख सकते हो ये मिट्टी दे दीवे जो डेकोरेट किए गए ने, किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा है? बहुत वधिया मैम, काफ़ी कस्टमर्स आते हैं। सब तो ज़्यादा की पसंद कर रहे हैं इन विचों लोग? एक्चुअली कलरफुल दीवे ज़्यादा लेंगे लोग, तो कलर दिवाली उन्होंने अच्छी लगती है, तो कलरफुल दीवे ज़्यादा बिकते हैं। तो ये कैंडल्स भी मैं वेख पा रही हूँ फ्लावर्स वाली, ये की खास है? ये एक्चुअली देखने से काफ़ी वधिया लगते हैं, मतलब कि पानी वगैरह से भी रख के लोग इन्होंने जला लेंगे ने, तो मोस्टली उसी यूज़ करते हैं, उसी लिए लेके जाते हैं। हाँ, पानी विच रख के भी कैंडल्स जगाइया जा सकती ने, ते उते ए मिट्टी दे मंदिर तुसी वेख सकते हो बने हुए ने बेहद ही खूबसूरत। तो सब तो ज़्यादा डिमांड किसकी है? तो इतने तुम वेख सकते हो ये मिट्टी के दीवे, मिट्टी के मंदिर इतने बने हुए हैं, तो जो लोग इतने मौजूद है शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं उन्होंने गल करते हैं, किस तरह इस बारी दिवाली मना रहे हो? बस अभी तो आए हैं, अभी घूमेंगे देखते हैं, पर अब की बार मतलब पता नहीं कोरोना के बाद है, अब की बार खूबसूरत ये मंदिर लिया ये वेख सकते हो, असी भी खास तौर पर अपील करते हैं लिविंग इंडिया न्यूज़ राही कि मिट्टी नाल जो चीज़ा बनिया होंगे ने उन्होंने ज़्यादा लो, उसका एक कारण भी है, एक तो मेहनत इन्हों की बहुत ज़्यादा होंगी है, शिद्दत नाल ये बनाए जाते, तुम की मैसेज दोगे मिट्टी दिया चीज़ा लैन बारे, क्योंकि एक शुभ दिवाली जो होंगी है वो जो मिट्टी दिया चीज़ा नाल ही होंगी है, अजकल बेशक ट्रेंड बदल। हाँ जी, जो इंडिया का मेन वो है ट्रेडिशन है वो मिट्टी से ही स्टार्ट है, हमेशा से ही मिट्टी के दिए, मिट्टी की मतलब हटड़ी जो होती थी यही जलती थी, और यही मतलब आप गरीब लोगों का देखो मतलब कि ये मेन रोज़गार है ना, और यही इनका दिन होता है दिवाली के लिए, तो हमें मतलब जब भी शॉपिंग करनी चाहिए मेरा तो ऐसा मानना है भी हमें इनसे ही लेना चाहिए, और ये हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, हम क्यों चाइनीज़ माल यूज़ करें, है ना, उनकी हम तरक्की कर रहे हैं, खुद को हम डाउन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रसाद वजो ये तुम वेख सकते हो ये लाए जाते हैं, तो ये तुम वेख सकते हो किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा है, किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा, गाहक किन्ने को आ रहे हैं? ग्राहक ठीक आ रहा है जी, ऐसे तो की है, एक बारी दस दो सारी चीज़ों बारे। खील बतासे, खिलौने, पेठा, लड्डू, यही है। तो दिवाली मौके खास प्लानिंग है सारे दी, हर कोई इतने खास तैयारियां करता हुआ नज़र आ रहा है, तो बहरहाल जो है इतने क्लोजिंग का भी टाइम हो गया है, तो वेख सकते हो ये जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए सी वो भी बंद करते इतने नज़र आ रहे हैं, पर भीड़ जेकर इतने तुम वेखो तो होर इस समय वध रही है। कैमरा पर्सन नितिन नीलम शर्मा की रिपोर्ट।